घंटे को लगी नहीं भूख। अब देखो यार, इस चीज को देखने के बाद तुम्हें भी कहीं ना कहीं एमवे की हिपोक्रेसी दिख रही होगी। जब कृष्णा और एमवे की बीफ चल रही थी तो उस टाइम पे इस बंदे ने अपना मचाएंगे फोर प्राइवेट कर लिया था, और उस टाइम पे इसने ये बोला था स्टोरीज वगैरह पे कि सीन बहुत ज्यादा खराब हो गया और मैं यहाँ पे ये करने नहीं आया था और इस वजह से मैं टिस उड़ा रहा हूं। उसके बाद काफी सारी स्टोरीज वगैरह लगाई और लोगों को बिल्कुल मैनिपुलेट कर रहा था और लोगों से सिंपैथी ले रहा था। उस टाइम पे ये ऐसा दिखा रहा था कि ये बिल्कुल इनोसेंट है भाई, इसको ऐसी इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोला तभी ये बंदा ऐसे बोल रहा है। एंड उसके बाद बंदा इतना अच्छा है कि इसने अपने डिस्क को प्राइवेट कर लिया। भाई अगर डिस्क प्राइवेट किया तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भी हटा, और ज्यादातर जो ऑडियंस है ना वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाती है गाना सुनने के लिए। भाई अगर तेरे को सच में बुरा लगा तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भी तो हटा लेता गाना। इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह लगा के तो अच्छे से लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था और सिंपैथी ले रहा था लोगों की। एमवे इतना बड़ा हिपोक्रेट है, तुम देखो कि उसका जो मचाएंगे फोर था उसमें उसने कृष्ण की मदर को खूब गालियां दी और बंदे ने उसी गाने के अंदर बोला कि औरत जात की इज्जत करता हूं मैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो तुम हिपोक्रेसी देख रहे हो जहाँ एक बंदा गाली देके बोल रहा है कि भाई मैं तो इज्जत भी करता हूँ औरत जात की, और वहीं उसकी मदर को गाली भी दिए जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है। और शो पे तो यार इसने हद ही कर दी। मतलब इतना सारा सीन होने के बाद लग रहा था लोगों को कि यार चलो ये सारी चीजें ठंडी हो गई। भाई ये बंदा शो के ऊपर पे बोल रहा है। एक वर्ष अपने को चाहिए खत्म करने का पब्लिक को, सिर्फ एक वर्ष। घंटा को लगे नहीं भूख, बस हो गया भाई, बस हो गया, बस हो गया। क्या है ना, अपन हमेशा सबको इज्जत देते आए और इज्जत देते रहेंगे। प्यार मोहब्बत फैलाओ, सीन में बहुत नफरत हो गया ना, अभी सीन में अच्छी चीज लेके आएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। अब देखो यार, इस चीज को देखने के बाद यार मेरे को तो सच में बहुत गुस्सा आया। अभी कुछ टाइम पहले ही बंदा अपने आपको इनोसेंट दिखा रहा था, सिंपैथी गेम खेल रहा था, लोगों को बिल्कुल मैनिपुलेट कर रहा था। एंड अब मेरे को लगता है इस चीज को देखने के बाद लोगों को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए, और खास करके जो एमवे के फैंस है उनको समझना चाहिए ये बंदा अपने आपको कितना ज्यादा शाना समझता है। अभी एमवे और एमवे के जो आर्टिस्ट है वो जानबूझ के कृष्णा को पोक कर रहे हैं। देखो यार, इतनी चीजें देखने के बाद ना अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं कृष्णा को डिस्ट्रिक्ट निकालना चाहिए। लोगों को क्या लगता है, कृष्णा को अपना डिस्ट्रिक्ट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट करके बताना। अब मैंने कहा था ना कि ऑडियंस को बेवकूफ हंसता है, लेकिन ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, अभी देख लो खुद पता चल गया। अभी इसका और लजारस का जो सॉन्ग आया, बंदे ने उसके अंदर भी कृष्णा के ऊपर पे शॉट्स लिए। अभी के टाइम पे पोक करने का काम तुम लोग कर रहे हो, बंटा रिकॉर्ड के जो इधर के बंदे हैं भाई वो अभी पोक करने का काम कर रहे हो, और उसके बाद तुम्हें पता है ना कि कृष्णा अगर अपने पे आगे कितनी गंदी तरह से लेता है। उसके बाद इन बंदों के पास जब कोई पॉइंट नहीं बचते तो भाई बॉट कह देंगे कि भाई बॉट व्यूज है, बॉट ये है वो है। बंदे ने ऑडियंस को इतना ज्यादा बेवकूफ समझ रखा है कि बंदा लाइव में भी गाली दे रहा है, उसके बावजूद भी बोल रहा है कि मैं सबकी इज्जत करता हूं। अपन हमेशा सबको इज्जत देते हैं, घंटे को लगी नहीं भूख। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी के टाइम पे जो बंदे एमवी के सपोर्ट में आए थे ना मचाएंगे फोर के टाइम पे, तो उन बंदों को भी अभी देखना चाहिए कि इस बंदे ने सिंपैथी लेने के लिए उस टाइम पे तो डिस्क को प्राइवेट कर लिया, भले ही डिस्क जो है वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे है। अपने लाइव शो के ऊपर पे भी एक तरफ जहां ये गाली दे रहा है, दूसरी तरफ अपनी हिपोक्रेसी दिखाने के लिए वहीं बोल रहा है कि हम सभी की इज्जत करते हैं। मतलब यार ये बंदा पता नहीं कौन से नशे करके आके जो ऐसी चीजें बोल रहा है। देखो यार, इस चीज को देखने के बाद तो यही चीज लगती है कि या तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ है या इसने ऑडियंस को समझ रखा है। और हाँ, अगर तुमने मेरी ये वाली पायल सोन वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर से जाकर देख लेना, काफी ज्यादा मजेदार वीडियो है। और हाँ, अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती है। और जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, वहां तो जरूर से आगे फॉलो कर लेना।